दिल्ली शहर में गोलू और पिंकी दोनों भाई बहन थे और उनके माता पिता एक बाढ़ का शिकार हो गए थे। अब उनके पास ऐसा कोई नहीं था जो उनका ख्याल रख सके। वो दोनों खाने की तलाश में एक गली से दूसरी गली भटकते रहते थे। गोलू अपनी बहन पिंकी से बोलता है, दीदी मुझे बहुत भूख लगी है, आज सुबह से कुछ खाने को नहीं मिला है, मुझसे और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। गोलू बस जल्दी ही कुछ खाने के लिए मिल जाएगा, तो चिंता मत कर, चल दूसरी गली में चलते हैं। दूसरी गली के बाहर एक गेट लगा हुआ था और उसके पास एक चौकीदार बैठा हुआ था। गोलू और पिंकी गली के अंदर जा ही रहे थे कि तभी उनको चौकीदार रोक लेता है। अरे कहाँ जा रहे हो तुम दोनों, चलो निकलो यहाँ से। अंकल हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, हमें अंदर जाने दो, क्या पता कोई हमें खाना दे दे। अरे यहाँ भीख मांगना मना है, चलो चलो जाओ यहाँ से। दोनों बच्चे उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो दोनों बच्चे चलते चलते एक घर के बाहर पहुँचते हैं। वहाँ एक महिला थी। माता जी कुछ खाने के लिए दे दो ना, बहुत भूख लगी है, मेरे भाई ने कल से कुछ नहीं खाया है। चलो चलो भागो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, इनका तो काम ही यही है। और वो औरत उनको कुछ नहीं देती और अपने घर से भगा देती है। गोलू भूख से बेहाल हो रहा था और वो सुबह से चलकर बहुत थक गया था। चलते चलते वो दोनों एक बड़े से घर के सामने आकर रुक जाते हैं और आवाज लगाते हैं। सुनिए कोई खाना खिला दो हमें, सुनिए घर में कोई है क्या, क्या हमें खाना दे सकते हो, हमने कल से कुछ नहीं खाया। तभी उनकी आवाज सुनकर एक लड़की घर से आती है। अरे कौन हो तुम और ऐसे भीख क्यों मांग रहे हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? लड़की की बात सुनकर दोनों उदास हो जाते हैं। हमारे माता पिता नहीं है, हम दोनों अकेले हैं, इसलिए हम भीख मांग रहे हैं। क्या हुआ आपके माता पिता को? हमारे गांव में बाढ़ आ गई थी। गांव में दो दिनों से बहुत तेज बारिश हो रही थी और पास ही गांव में बने बांध में पानी का स्तर भी बहुत बढ़ गया था। सरला हमें जल्दी ही इस गांव से निकलना होगा, पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैंने सारा सामान बांध लिया है, हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए। पिंकी बेटा तुम अपने पिताजी के पास जाओ, गोलू को मैं उठा लूंगी। सभी गांव वाले अपना घर छोड़कर जा रहे थे, पानी का स्तर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। मोहन और सरला अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ रहे थे, तभी उनके पास एक बोट आती है। देखिए अभी बोट में बैठने के लिए और कोई जगह नहीं है, आप दूसरी बोट का इंतजार करो। पानी का स्तर बहुत बढ़ गया है, आप हमारे बच्चों को बिठा लीजिए। वो पिंकी और गोलू को बोट में बिठा लेते हैं और उन्हें वहाँ से लेकर चले जाते हैं। मोहन और सरला धीरे धीरे चलते रहते हैं। तभी अचानक गांव में बना बांध टूट जाता है और पानी का सैलाब सबको अपने साथ बहा के ले जाता है। और उस बाढ़ में हमारे माता पिता और न जाने कितने लोग बह गए, अभी हमारे पास न तो घर है और न ही खाने के लिए खाना। अच्छा तुम दोनों यही रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। और वो लड़की अंदर खाना लेने चली जाती है। गोलू और पिंकी घर के बाहर बैठकर उस लड़की का इंतजार करने लगते हैं। और तभी उस घर में एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी में से एक महिला बाहर निकलती है और जैसे ही वो गोलू और पिंकी को देखती है वो चिल्लाते हुए उनको बोलती है, कौन हो तुम और यहाँ मेरे घर के आगे क्यों बैठे हो, निकलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। वो औरत बहुत ही अमीर और घमंडी थी। जी हमें भूख लगी है, वो दीदी हमारे लिए अंदर खाना लेने गई है। ये काव्या भी पता नहीं किस किस को बिठा लेती है, तुम दोनों उठो और भागो यहाँ से जल्दी से। और वो औरत
गोलू और पिंकी की कोई बात नहीं सुनती और उनको घर से भगा देती है। तभी वो लड़की काव्या खाना लेकर घर से बाहर आती है और वो देखती है कि वो दोनों बच्चे तो वहां पर है नहीं। अरे, ये दोनों बच्चे कहाँ चले गए? फिर वो अपनी माँ को देखती है, वो गाड़ी साइड में लगा रही थी। माँ, यहाँ दो बच्चे थे, क्या आपने उनको देखा? बेचारे दो दिन से भूखे थे, उनको बहुत भूख लगी थी। मैंने तो यहीं बैठने को कहा था, पता नहीं कहाँ चले गए। मैंने उनको भगा दिया, तुम ऐसे किसी की भी बातों में मत आया करो। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ये सिर्फ गरीब दिखते हैं, लेकिन ये बहुत चलाक होते हैं। मौका मिलते ही चोरी करके रफू चक्कर हो जाते हैं। माँ, वो बहुत अच्छे थे, उन बच्चों के माता पिता बाढ़ में बह गए थे, अब उनका कोई नहीं है, इसलिए वो भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे हैं। काव्या की माँ उसकी बात नहीं सुनती और वो दोनों अंदर चले जाते हैं और काव्या भी अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन अभी भी काव्या उन बच्चों के बारे में सोच रही थी। पता नहीं उन बच्चों को कहीं खाना मिला होगा भी या नहीं। और काव्या भगवान से प्रार्थना करती है, हे केशव, जैसे आप हमेशा मेरे साथ देते हो, वैसे ही उन बच्चों पर भी अपनी कृपा करना। और दूसरी तरफ गोलू और पिंकी खाने के लिए दर दर भटक रहे थे। दीदी दीदी, मैं बहुत थक गया हूँ, चलो ना कहीं बैठ जाते हैं। ठीक है गोलू, आगे कोई पेड़ दिखेगा तो हम वहाँ थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेंगे। तभी वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दीदी, अगर हमें कोई भी खाना नहीं देगा तो हम ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। गोलू, तो यहीं आराम कर, मैं उस मंदिर के पास जाकर देखती हूँ। पिंकी मंदिर की तरफ जाती है, तभी उसे रास्ते में एक औरत मिलती है। वो एक फूल वाली थी, उसके ठेले का पहिया एक खड्डे में फंस गया था। पिंकी उसके पास जाती है। क्या मैं आपकी मदद करूं? हाँ बेटा, मेरा ठेले का पहिया इस खड्डे में फंस गया है, तुम मेरे साथ इसको धक्का लगवा दो। पिंकी उस औरत के साथ ठेले पर धक्का लगवाती है और ठेला खड्डे से बाहर आ जाता है। धन्यवाद बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम पिंकी है। आंटी, क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? मेरा भाई सुबह से भूखा है। बेटा, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, क्या तुम यहाँ अकेले हो? हाँ, हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। उसकी बात सुनकर उस औरत को उन पर दया आ जाती है। मेरा नाम सुधा है, तुम मेरे साथ घर चलो, मैं वहाँ तुम्हें कुछ खाने को दे दूंगी, मेरा घर यहीं पास में ही है। पिंकी और गोलू सुधा के साथ चल देते हैं। घर पहुंचकर सुधा उन दोनों को खाना देती है। दोनों बच्चे खाना खाने लगते हैं। उसको खाना खाते देखकर लग रहा था कि वो दोनों बहुत दिनों से भूखे हैं और उन्होंने कुछ नहीं खाया। दोनों की ये हालत देखकर सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। धन्यवाद आंटी जी। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं और तुम यहाँ कैसे आए बेटा? हमारे गांव में एक दिन बाढ़ आ गई थी, हमारे माता पिता और गांव के बहुत सारे लोग उसमें बह गए, अब इस दुनिया में हमारा कोई सहारा नहीं है। आज बहुत दिनों के बाद हमें अच्छे से खाना नसीब हुआ है। तुम खुद को अकेला मत समझो, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। बच्चे उसके साथ रहने के लिए मान जाते हैं। अब पिंकी और गोलू सुधा के साथ ही मंदिर के बाहर फूल माला बेचने में उसकी मदद करने लगे थे और वह एक परिवार के रूप में एक साथ रहने लगे। अब ये दोनों बच्चे गोलू और पिंकी भी इस काम में सुधा की मदद करते थे। दोनों बच्चे सुधा के साथ बहुत खुश थे और वो उसे माँ कहते थे। एक दिन, बच्चों, कुछ दिनों में जन्माष्टमी आने वाली है, उस दिन मंदिर में बहुत से श्रद्धालु आते हैं, उस दिन हमें और ज्यादा फूलों की जरूरत होगी, हमें उस दिन जंगल से ज्यादा फूल लेने हैं ताकि हमें उस दिन ज्यादा मुनाफा हो सके।
माँ, ये जन्माष्टमी क्या होती है? इस दिन क्या हुआ था? बेटा, इस दिन देवकी माता ने कारावास मतलब जेल में श्री कृष्ण भगवान को जन्म दिया था। जेल में? पर वो क्यों? वो जेल में क्यों थे? श्री कृष्ण की माँ देवकी और पिता वासुदेव को कंस ने बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। माँ, ये कंस कौन था? उसने उनको कारावास में क्यों डाला? कंस देवकी का भाई था और कंस के लिए भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी की आठवीं संतान के द्वारा कंस की मृत्यु होगी, इसलिए कंस ने देवकी और वासुदेव को कारावास में डाल दिया था और वो उनकी संतान को मारना चाहता था। माँ, ये कंस बुरा इंसान था क्या? हाँ बेटा, लेकिन जब श्री कृष्ण का जन्म होता है तो वासुदेव श्री कृष्ण को सबसे छिपाकर यमुना पार यशोदा माता के पास छोड़ देता है। सुधा की बात सुनते सुनते गोलू और पिंकी सो गए थे, फिर सुधा भी सो जाती है। अगले दिन, जल्दी उठो बच्चों, आज हमें बहुत सारे फूल लाने हैं और उनकी मालाएं बनानी है। तुम्हें याद है ना, जन्माष्टमी आ रही है। हाँ माँ, हमें याद है। सुधा अपनी थैली लेती है और गोलू और पिंकी के साथ जंगल में फूल लेने जाती है। जंगल में पहुंचकर तीनों सुंदर सुंदर फूल तोड़ने लगते हैं। तभी सुधा की चिल्लाने की आवाज आती है। एक सांप सुधा के पांव को काट लेता है। बचाओ बचाओ, सांप सांप, मुझे सांप ने काट लिया। सुधा की आवाज सुनकर पिंकी और गोलू दोनों भागकर सुधा के पास आते हैं और वो देखते हैं कि एक सांप वहाँ से जा रहा था। माँ जी, आप घबराओ नहीं, हम अभी आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। गोलू, तो जल्दी जा, किसी को बुला कर ला, हमें जल्दी इनको डॉक्टर के पास ले जाना होगा। हाँ दीदी, मैं अभी किसी को बुला कर लाता हूँ। गोलू भागता हुआ जा रहा था, लेकिन जंगल में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कोई है? बचाओ बचाओ, मेरी माँ को सांप ने काट लिया है, कोई हमारी मदद करो। तभी अचानक वहाँ एक लड़का आता है और गोलू को बोलता है। क्या हुआ तुम्हारी माँ को, क्यों रो रहे हो तुम? मेरी माँ को एक सांप ने काट लिया है, उनको डॉक्टर के पास ले जाना है, हमारी मदद करो। कहाँ है तुम्हारी माँ? चलो मेरे साथ। और गोलू उस लड़के को अपनी माँ के पास ले जाता है। उनकी माँ नीचे गिरी हुई थी और पिंकी उनके पास बैठकर रो रही थी और वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। अरे, ये तो बेहोश हो गई है, इनको जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना होगा। लड़का वहाँ पड़ी ठेली को सुधा के पास लाता है और सुधा को उस ठेली पर लेटा देता है और उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर, इनको सांप ने काट लिया है, आप जल्दी इनका इलाज करो। डॉक्टर सुधा का इलाज करते हैं और जल्दी ही सुधा भी ठीक हो जाती है। जब सुधा को होश आता है तो पिंकी और गोलू सुधा के पास ही बैठे थे। तुम दोनों ने आज मेरी जान बचा ली। हमने नहीं माँ, आपकी जान तो उस भाई ने बचाई है जो आपको यहाँ लेकर आए। गोलू उस लड़के को देखने बाहर जाता है और वो देखता है कि वो लड़का वहाँ से जा चुका था। फिर वो तीनों घर चले जाते हैं। रात के समय, बच्चों कल जन्माष्टमी है और मैं तो कल फूल तोड़ने जा नहीं पाऊंगी, अब तुम दोनों को ही कल सारा काम करना होगा। क्या तुम दोनों फूल तोड़कर मंदिर में बेचने जाओगे? हम दोनों कल फूल ले भी आएंगे और मंदिर के पास बेच भी लेंगे। अगले दिन गोलू और पिंकी सुबह सुबह उठते हैं और सुधा से बोलते हैं। माँ, हम जंगल में फूल लेने जा रहे हैं, वहीं से मंदिर चले जाएंगे और वहीं कुछ खा लेंगे। ठीक है बेटा, पर अपना ध्यान रखना, जंगल में जहरीली सांप भी है। हमें कुछ नहीं होगा माँ, अभी हम चलते हैं। फिर गोलू और पिंकी दोनों ठेली को लेकर जंगल में चले जाते हैं और वहाँ फूल तोड़ने लगते हैं। गोलू, तुम ध्यान से फूल तोड़ना, यहाँ कल की तरह सांप भी हो सकता है।
आप भी दीदी ध्यान से तोड़ना। फिर दोनों फूल तोड़ने लगते हैं, तभी वहाँ वो कल वाला लड़का आ जाता है जिसने उनकी मदद की थी सुधा को हॉस्पिटल ले जाने में, और उसके हाथ में एक माखन की मटकी थी। तुम दोनों आज फिर यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भैया आप, हम यहाँ फूल लेने आए हैं। आज जन्माष्टमी है, हम फूल मंदिर में ले जाकर बेचेंगे। गोलू उसके हाथ में इतना सारा माखन देखकर बोलता है, अरे इतना सारा माखन? हाँ माखन, तुम खाओगे? माखन तो बहुत स्वादिष्ट होता है। वो लड़का गोलू और पिंकी को भी माखन देता है और उनके साथ फूल भी तोड़ता है। उनकी पूरी थैली फूलों से भर जाती है। भैया अब हमें जाना होगा, लोग मंदिर में आना शुरू हो गए होंगे। और वो दोनों वहाँ से आ जाते हैं। मंदिर में जाकर दोनों फूल बेचने लगते हैं। फूल ले लो, ताजे ताजे फूल ले लो। ऐसे आज उन दोनों के सारे फूल बिक जाते हैं, और आज उन्होंने पहले से कहीं ज्यादा पैसे भी कमाए थे। फिर वो दोनों घर जाते हैं और सुधा को सारी बात बताते हैं कि आज कैसे उस लड़के ने उनकी मदद की और उनको खाने को माखन भी दिया, और मंदिर में भी उनके फूल सबसे पहले बिक गए और उनको ज्यादा मुनाफा हुआ है। जय श्री कृष्ण। ये सब ठाकुर जी का कमाल है बच्चों। खुद श्री कृष्ण तुम्हारी मदद के लिए आए थे और तुम दोनों को प्रसाद देकर गए। क्या श्री कृष्ण भगवान खुद हमारे पास आए थे? तो क्या वो भैया श्री कृष्ण भगवान थे? हाँ बेटा, वो खुद मुरली मनोहर तुम्हारे पास आए थे और तुम्हें माखन खिलाकर गए हैं। फिर वो तीनों श्री कृष्ण भगवान का धन्यवाद करते हैं, और रात 12 बजे जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म होता है वो तीनों मंदिर जाते हैं और उनकी जय जयकार करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई भी नई स्टोरी अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।